हाय गाइस, मैं सुनील। 2019 के जो क्वेश्चंस आए थे पिछले साल वो सेट पेपर लेके आए हैं हम। ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट का है जिन्होंने मैथ सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स एंड अच्छे रैंक्स लाए थे। उनकी कॉपियां लेके आया हूँ मैं, एंड इसमें आंसर्स दे रखा है। क्वेश्चंस में क्या दिया था सारे आंसर्स दे रखे हैं। इसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चंस पढ़ूंगा और आंसर्स भी बताऊंगा। पहले 1 से 5 तक पूरी ऑब्जेक्टिव आती है। पहले सही विकल्प पूछा गया था। पहला क्वेश्चंस है कि 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो इसका एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर्स पूछा गया। 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे आप लोग, तो इसका एचसीएफ आएगा 4। आप लोग निकाल के देखिएगा, अगर नहीं निकाल पाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका भी वीडियो लेके आऊँगा। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यांक अल्फा और बीटा हो तो a डॉट b का मान होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि a+b = -b/a होता है और a डॉट b = c/a। तो इस क्वेश्चन से पूछा गया था a डॉट b का मान, इसलिए c/a होगा। एंड थर्ड क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसमें, बहुपद x²-3 के शून्यांक होंगे। इसमें शून्यांक पूछा गया है, तो शून्यांक आप लोग इस पे सूत्र लगा के निकाल सकते हैं। तो इसका जो शून्यांक आएगा +-√3। ये ऑप्शंस सही था। अब इसके नीचे क्वेश्चन आता है, जब a₁/a₂ = b₁/b₂ ≠ c₁/c₂ हो तो समीकरण निकाय a₁x + b₁y + c₁=0 तथा a₂x + b₂y + c₂=0, ये कंडीशंस दे रखा है और इसमें से पूछा गया है कि कौन सा कंडीशन सही होगा। तो इसका सेकेंड नंबर बी नंबर होगा, इसका ये कंडीशंस सही होगा। क्या लिखा है इसमें, निकाय का कोई हल नहीं होगा, ये वाला कंडीशंस आप लोगों के लिए सही होगा। एंड इसका 5 नंबर क्वेश्चन है, x-2y = 0 और 3x + 4y - 20 = 0, रेखाएं क्या करती हैं। तो आपको बताना है ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती हैं। क्या करती हैं, आपस में प्रतिच्छेद करती। अब आता है इसके नीचे रिक्त स्थान। क्या आएगा, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होते यदि। तो इसमें कंडीशंस, 4 कंडीशंस लगते हैं, क्योंकि तो चारों कंडीशंस आप लोगों को 3 चैप्टर्स में मिलेगा, सॉरी 4 चैप्टर्स में मिलेगा। चारों कंडीशंस आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा। इसका आंसर्स क्या होगा, b²-4ac छोटा होगा 0 से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस है, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविधकर होगा। विविधकर का सूत्र होता है, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए, b²-4ac। तो इसके जो आंसर्स होंगे वो क्या होगा, 0 होगा। अब इसके नीचे क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 3/2 एवं 1/2 फिर डैश -1/2 फिर डैश -3/2 .. में सर्वांतर d... होगा। तो पहले इतनी श्रेणियाँ दे रखी हैं और इसमें पूछा क्या गया है, d की वैल्यू। क्या पूछा गया है आप लोगों से, d की वैल्यू। तो d की वैल्यू फाइंड कैसे कर लेंगे आप लोग, डी की वैल्यू फाइंड इनका कैलकुलेशन कर लेंगे, डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आता है, किसी प्रयोग की
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग डॉट डॉट होता है। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा प्रायिकता का योग क्या होता है, एक होता है। फिर नीचे दिया है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये रिक्त स्थान कंप्लीट होता है। अब इसके आगे आएगा प्रश्न तीन का उत्तर, सत्य और असत्य के कंडीशंस फाइंड करने हैं। पहला क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त हमेशा जीवा पर जो लंब डाला जाता है उसको समद्विभाजित करता है। सबसे बड़ी जो व्यास होती है वो जीवा कहलाती है। ये भी ध्यान रखें जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। तो ये आंसर्स क्या होगा, सही होगा, अर्थात ये सत्य है। और इसके नीचे क्वेश्चन है सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये भी ध्यान रखना है सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फिर इसके नीचे क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है, तो यस होता है इसका कंडीशन। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहा जाता है। वृत्त पर अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो उसको क्या बोला जाता है, छेदक रेखा बोला जाता है। अब इसके आगे है देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना पड़ता है। ये कंडीशंस गलत है, सिर नीचे की ओर ना झुका के ऊपर की ओर झुकाना पड़ता है, नीचे की ओर ना झुका के आपको किधर, ऊपर की ओर झुकाना पड़ता है, इसलिए आंसर क्या है, गलत है। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर फोर्थ स्टार्ट होता है, आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को क्या करना है, एक शब्द में उत्तर देना। पहला क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 का समांतर मध्य क्या होगा। तो मध्य पद ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टोटल संख्याओं का योग बटे संख्या, या ऐसा क्वेश्चंस दिया रहे तो उसके बीच वाले पद आप लेके आंसर बता सकते हैं। तो इसका बीच वाला पद ही दे रखा है, मतलब इसका क्रम दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका बीच वाला पद क्या होगा, 3 होगा, बीच वाला पद क्या होगा, 3 होगा। फिर माध्यिका का सूत्र, माध्यिका का सूत्र और बहुलक का सूत्र आप लोग याद करके जाएंगे, ये क्वेश्चन से पूछा गया है बहुत बार। तो माध्यिका का सूत्र यम इक्वल टू यल प्लस यन बाई टू माइनस यफ कोष्टक के बाहर यच होता है, जहाँ सभी मान अपना अस्तित्व रखते हैं, अर्थात ये जो वैल्यू होती है अपने सारे वैल्यू का अस्तित्व रखती है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है। तो इसकी नहीं होने की प्रायिकता कंडीशंस होता है एन ई प्लस एन ई बार इक्वल टू 1, मतलब जो प्रायिकता होती है वो हमेशा एक होगी या एक से कम होगी, एक से बड़ा कभी भी प्रायिकता नहीं हो सकती। अब फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, शंकु के छिन्नक का सूत्र लिखिए। शंकु के छिन्नक का सूत्र, ये जितने सूत्र भी हैं 12 और 13 चैप्टर्स के, सारे सूत्र पढ़ के जाना है आप लोगों को। शंकु के छिन्नक का सूत्र, तो शंकु के छिन्नक का सूत्र होता है V=1/3 पाई एच कोष्टक में R1² प्लस R1.R2 प्लस R2 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, एक वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी हो सकती हैं, दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं, स्पर्श दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। अब नेक्स्ट आता है 5 नंबर, इसमें आता है आपका सही जोड़ी। सही जोड़ी के लिए आपको त्रिकोणमिति वाला चैप्टर्स पूरा कंप्लीट करके जाना है। त्रिकोणमिति वाला चैप्टर से
हमेशा सही जोड़ी पूछी जाती जा रही है, अभी तक पूछी जाती ही है। अब वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये ज्यामिति का सूत्र होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा, सेक थीटा का अपोजिट होता है एक बटे कॉस थीटा, सेक थीटा का अपोजिट होता है एक बटे कॉस थीटा। अब एक सूत्र थर्ड नंबर है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बहुत जगह यूजफुल है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब त्रिकोणमिति के कुछ एंगल्स के वैल्यू होती है, इस एंगल के सारणी और वैल्यू भी याद करके जाएंगे। एक वैल्यू से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक 90 माइनस थीटा से, एक ज्यामिति सूत्र से, एक अपोजिट से, ये पांच ऑब्जेक्टिव तो कन्फर्म आती ही आती है सही जोड़ी वाली। तो टेन साठ की वैल्यू पूछी गई थी, तो टेन साठ की वैल्यू होगी एक बटे अंडर रूट तीन, और टेन तीस का मान होगा एक बटे अंडर रूट तीन, और टेन पैंतालीस का मान होता है एक। अब फिर नीचे फाइव नंबर क्वेश्चन आता है, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है। थैंक यू फॉर माय वीडियो। मेरा चैनल्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर माय वीडियो एंड वाचिंग।